है दोस्तों, आज आखिरकार मालती चौहान को इंसाफ मिल ही गया। जैसा कि आपने अभी अभी वीडियो के शुरू में गोरखपुर के जिला जेल की लाइव तस्वीर में देख ही चुके होंगे कि आज किस तरीके से विष्णु राज को फांसी देने की पूरी प्रक्रिया तैयार करवाई जा रही है। जैसा कि आपको भी दोस्तों मालूम होगा, मालती चौहान के गए हुए लगभग एक महीने पूरे होने वाले हैं। मालती चौहान मामले में अभी मुख्य आरोपी के तौर पर उनके पति विष्णु राज को ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट में मालती चौहान के वकील का कहना था कि जितना भी मालती चौहान के साथ उस रात घटना हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी डॉक्टर्स का कहना है, वो सभी लोगों का कहना है कि मालती चौहान का असली दोषी विष्णु राज ही है। उस डॉक्टर्स रिपोर्ट साफ साफ बयां कर रही थी कि मालती के चौहान के साथ जो रात उस घटना हुई थी, उसके साथ कोई और मौजूद था जो कि उसका पति विष्णु राज ही था। कोर्ट में यह पूरी तरीके से बात साबित हो जाने के बाद कोर्ट के जज ने मालती चौहान के पति विष्णु राज को फाइनली फांसी की सजा सुना दी, जिसके बाद आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि किस तरीके से जिला जेल में आज विष्णु राज को फांसी देने की पूरी प्रक्रिया तैयार करवाई जा रही है। दोस्तों, सुबह के अंधेरे में विष्णु राज को फांसी दी जाएगी। आप लोगों के मनों में सवाल होंगे कि आखिर इतनी जल्दी कैसे विष्णु राज को सजा मिल सकती है, तो मैं आपको पूरी जानकारी बता देना चाहता हूँ। कोर्ट के जज जब पहली बार इस मामले की सुनवाई पर बैठे थे, तो उनका कहना था कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में आए दिनों ऐसी घटनाएं की वारदात बढ़ते ही रहती है। आए दिनों लड़कियों के साथ इस तरीके की घटना देखने को मिलती है, जिस कारण से अगर इस दोषी को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी तो आने वाले समय में और भी इन दोषियों का मन बढ़ता रहेगा, और आज इस बच्ची के साथ हुआ है तो किसी और लड़की के साथ ऐसी घटना होगी। इसी वजह से उसे दिल्ली की निर्भया केस की तरह ही मालती चौहान के मामले में भी विष्णु राज को फांसी की सजा सुना दी गई। दोस्तों, जैसा कि आपको भी पता होगा, दिल्ली में एक निर्भया नाम की लड़की के साथ बस में उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी, जिसके कारण से उसके दोषियों को फांसी की सजा दी गई थी। आज उसी प्रकार से विष्णु राज को भी जिला जेल में फांसी की सजा सुना दी गई है, और तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं कि उसे दी जा रही है। दोस्तों, इस पर आप लोगों क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में दो शब्द जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।